भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं आशीष सिंह की यह खास रिपोर्ट। जौनपुर के मातापुर लाइन बाजार में आज अपना दल पार्टी के संस्थापक सदस्य जगदीश सिंह पटेल जी की 13वीं के अवसर पर एक विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जगदीश सिंह पटेल के निधन से पार्टी और उनके समर्थकों में शोक की लहर है। इस अवसर पर अपना दल एस के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने उनके निजी आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। 13वीं के अवसर पर पार्टी के अन्य नेता और समर्थक भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने जगदीश सिंह पटेल जी के योगदान और उनके सिद्धांतों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आशीष पटेल ने उनके परिवार से भी मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की और इस कठिन समय में धैर्य बनाए रखने का संदेश दिया। हमारी पार्टी ने प्रारंभ से हर उस सुधार का समर्थन किया है जो जनहित है। निश्चित तौर पे वन नेशन वन इलेक्शन से चीजें ठीक होंगी। जो पूरे 5 वर्ष तक चुनावी की प्रक्रिया अलग अलग जगहों पर चलती रहती उस पर रोक लगेगी और जो भी सरकारें चुन करके आएंगी वो निश्चित तौर पे जनहित के कामों में और एकाग्रता से जुट करके उनको आगे बढ़ाने का काम करेगी। हमारी पार्टी इसका पूर्ण समर्थन करती है। आजकल फेक इनकाउंटर को लेकर के इसका प्रयोग बड़ा हो रहा है। देखिए, इसमें मेरा और हमारी पार्टी दोनों का स्पष्ट मत है कि कानून का राज्य स्थापित होना चाहिए और कानून के राज्य को स्थापित करने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है उससे सुरक्षा एजेंसियों को समय समय पर करते रहना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारी जो बाबा साहब ने एक संविधान बनाया है उस संविधान के तहत जो नियम है उन नियमों का उन कानूनों का अनुपालन जरूर किया जाए, ये बहुत आवश्यक है। आपके विभाग में क्या कर रहा है? हमारी सरकार मेरे विशेष रूप से मेरे विभाग में हमने तकनीकी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और विशेष रूप से मैं कहूँगा कि हमने 4 नए इंजीनियरिंग कॉलेज इसी सत्र में चालू कर दिए हैं, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, बस्ती और गोंडा। और भी विभिन्न जगहों से MOU करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का तकनीकी छात्रों को प्रयास किया। परीक्षा में नकल रोकने का, निश्चित नकल रोकने के लिए हमने परीक्षा सेंटर जो है तकनीकी शिक्षा विभाग में केवल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस, चाहे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हो चाहे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हो, उसी में बनाने का काम किया है जिससे नकल को रोका जा सके। आपका यहाँ आने का उद्देश्य? देखिए, ये हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी रह चुके हैं जगदीश जी, उनकी आज 13वीं थी। परिवार के साथ मुलाकात करके मैंने शोक संवेदना व्यक्त की और अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके बातचीत भी करना। अपने संगठन को जिले में अक्सर मजबूत करने के लिए कोई निश्चित तौर पर अभी कल ही हमने एक जिलाध्यक्ष की घोषणा की है और जहाँ संगठन में कमी वैसी रहेगी उसको हम उसके सभी कील काटे दुरुस्त करते हुए आगे। बहुत बहुत आभार। Thank you.